फ्रेंड्स अभी हो चुकी अपनी बुरी हालत यार। बिकॉज कल रात ही अपना एक्सीडेंट हुआ है और V4 पूरी खत्म हो गई है। बाकी प्रोजेक्टर हवा में आसमान में लाइट मार रहा है। वैसे देखा जाए तो किक शिफ्टर गया, गियर भी गए, किक शिफ्टर वगैरह गेट सब चले गए इधर से। फ्रेंड्स अभी हो चुकी अपनी बुरी हालत यार। वो फोटो साइड में अटैच करूंगा, बाकी दिखाता हूँ आपको सुबह उठ करके गाड़ी की क्या हाल होती है। एक बार रात का सीन देख लेना गाड़ी की क्या हाल होती है, और बाकी सुबह उठकर आपको दिखाऊंगा ही। जीपी भाई के यार खस्ता हालत हो गई है, यहाँ पर हम थोड़ा देख सकते हो। बाकी मेरी हल्की यहाँ पे चोट आई है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है भाई की यार ज़्यादा चोट लग गई, इसलिए मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा ना, मैं डायरेक्ट घर ही जा रहा था। बाकी गाड़ी दिल्ली जाने की हालत में नहीं है, हम UK में हैं फिलहाल। और बाकी सुबह उठ के दिखाता हूँ आपको गाड़ी की क्या हालत हुई है यार। पता नहीं किसकी पनौती लगी यार, किसकी नज़र लगी गाड़ी को। अभी हाल फिलहाल में ली थी, आपको पता ही है धनतेरस पे गाड़ी निकलवाई थी। बाकी मेरे कुछ ज़्यादा खास चोट नहीं आई, लेकिन मैंने हेलमेट पहन रखा था, जरा भाई ने हेलमेट नहीं पहन रखा, उसकी वजह से यार उनको थोड़ा चोट लग गई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी पहनो तो हेलमेट यार, मतलब जब भी राइड करो तो हेलमेट पहन के ही करो। बाकी चलते यार अपना, मैं दूसरा ही हेलमेट लूँगा, ये तो हेलमेट मैं लेने नहीं वाला, मतलब रखने ही नहीं वाला भी वाला हेलमेट। क्योंकि मतलब मैंने हेलमेट लगा रखा था ना, स्ट्रैप मैंने लगा रखी थी, फिर भी स्ट्रैप लगी हुई निकल गई यार, हेलमेट अलग जाके गिर गया। बाकी तभी मेरे यहाँ पे चोट आई, हल्की माथे पे चोट आई है और मेरी आँख पे चोट आई यार, मतलब यहाँ पे गुम चोट लगी आई थिंक। बाकी सुबह को दिखाएंगे डॉक्टर को, फिलहाल पट्टी करा दी है, और सुबह उठ के दिखाता हूँ क्या होता है क्या नहीं। और बाकी अभी घर वालों को किसी को बताया नहीं, तो यार मम्मी को पता लग गया, तो मम्मी बाकी यार समझ ही सकते हो आप। हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। वैसे इंट्रो करने का यार कुछ मकसद बनता नहीं है, क्योंकि यार बट गुड मॉर्निंग फॉर यू, वेरी बैड फॉर मी, बिकॉज कल रात ही अपना एक्सीडेंट हुआ है और V4 पूरी ख़त्म हो गई है। बाकी दिखा दूँ V4 के नज़ारे नज़ारे अभी भी हंसी आ रही है। बाकी मेरे यार चोट यहाँ पे आई रात को, और हाथ पे लगी हल्की येरी, और V4 के हाल दिखाता हूँ आपको। ये देखो सब फेयरिंग जा चुकी है इधर से, ये साइड पूरी गई फुल, फ्रंट प्रोजेक्टर हवा में आसमान में लाइट मार रहा है फ्रंट से। बाकी चला के चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी साइड से इंडिकेटर गया, उस साइड का इंडिकेटर गया, फ्रंट टोटली लॉस हो गया, और मीटर मीटर वगैरह सब, मतलब मीटर में वो टूट गया है, मतलब मीटर पूरा ही टूट गया है। इधर से देखा जाए तो किक शिफ्टर गया, गियर भी गए, किक शिफ्टर वगैरह गेट सब चले गए इधर से। और बाकी इधर स्क्रैचेस वगैरह आए, इधर पिन्नी चढ़ PPF चढ़वा रखी थी, बाकी इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और क्या ही कर सकते हैं जब दिन बुरे चल रहे हो तो। बाकी आपको पता ही है धनतेरस वाली गाड़ी परचेस की थी, देखते हैं अब क्लेम पर जाता है और क्लेम वाले फिर कितना चार्ज करते हैं इसका देखेंगे। चलता हूँ दिल्ली, मतलब आजकल मैं दिल्ली निकलूँगा थोड़ा रेस्ट करके यार। बाकी अपने साथ JP भाई थे, उनकी भी काफ़ी चोट लग गई है, और चलेंगे, चलो यार चलते हैं अब दिल्ली, फिर चल के देते इसको क्लेम पे। तो इसकी फर्स्ट सर्विस अभी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, फर्स्ट सर्विस के लिए ही मैं आज ले जाने वाला था, लेकिन मतलब हाँ मतलब आज ले जाने वाला था, इसलिए हम कल रुक गए कि हम कल जाएंगे। बाकी जब जाने वाले थे तो होने को कौन ही टाल सकता है यार, फिर ये हो गया V4 की हालत और अपने भी थोड़ी खस्ते हालत है। तो देखते हैं कल या परसों में निकलेंगे दिल्ली, और बाकी वहाँ पे चल के दिखाता हूँ आपको क्लेम की वीडियो वगैरह, मतलब क्लेम इसमें कितना आता है कितना नहीं। और बात करूँ कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, तो एक्सीडेंट हुआ यार, हम हैं UK में, तो UK में यार यहाँ पे ना जो गाय वगैरह हैं तो यहाँ पे खुली छोड़ रखी है इन्होंने, और खुली छोड़ रखी है तो ये रात में मतलब बीच रोड पर खड़ी हो जाती है जाके। तो गाड़ी थी 40 से 50 की स्पीड में, और बाकी अगर बात करूँ लाइट की, तो जो लाइट थी वो थी लो बीम में, हमें जो ब्लैक काउ थी वो दिखी नहीं मेन रोड पर, 40 से 50 की स्पीड थी, बाकी वो दिखी नहीं, और डायरेक्ट अपनी V4 जाके उससे टकरा गई। अपना V4 का हाल ये हुआ, अपनी तो खस्ती हालत है ही, और V4 भी गई। चलते हैं दिल्ली, कल या परसों में निकलते हैं, और बाकी दिखाता हूँ आपको। बाकी फ्रेंड्स ये है अपनी V4 की हालत, देख सकते हो आप। और बाकी फेयरिंग वगैरह मैंने सब निकाल के रख दिए हैं, बोल्ट वगैरह सब इसमें निकाल के रख दिए। दिल्ली जाएंगे तो साथ में लेके जानी पड़ेगी, इसमें क्लेम पे देंगे। और बाकी ये जो आगे की इसकी हेडलाइट के ग्रिल है, ये अंदर को मुड़ चुके, बाकी जिससे हैंडल मूव नहीं हो रहा,
और बाकी जो ये हैंडल मूव नहीं हो रहा, आई थिंक यहाँ से ना ये क्रैक हो गया है हैंडल। ये देखो यहाँ से ये चीज़ हैंडल क्रैक हो चुका है। और बाकी दिखाएंगे क्लेम पे क्या होता है क्या नहीं। ठीक हो भाई तुम सही हो? फिलहाल यार इसकी फियरिंग खोल के रखेंगे, मतलब ये हमने सोचा कि पूरा वगैरह निकाल देंगे, बाकी दिल्ली ऐसी जाएगी, सुबह निकलेंगे हम जल्दी, बाकी टाइम से पहुंचेंगे दिल्ली और देखते हैं डायरेक्ट इसको क्लेम पे देंगे हम। तो टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ गाइज।